हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ड्रैगन फ्लाइज के एक ड्रोन की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है अल्ट्रा एचडी कैमरा ड्रोन, और दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा कमाल का ड्रोन है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आगे मैं आपको बता दूंगा। अभी इसके बॉक्स को अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसके तीन वर्जन आते हैं, नॉर्मल वर्जन, फिक्स हाइट वर्जन और वाईफाई एरियल फोटोग्राफी वर्जन। तो हमारे पास तीसरा वाला है जिसमें वाईफाई फोटोग्राफी होती है और वीडियोग्राफी भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे फंक्शन मिल जाता है, 2.4 GHz, 360 रोटेशन, LED लाइट, 6x जायरो, हैंडलेस मोड, 1 key रिटर्न, मतलब बहुत सारे ऑप्शन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। पहले मैं सारी चीज़ों को बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। दोस्तों इस टाइप का आपने कभी डुअल कैमरा ड्रोन नहीं देखा होगा, ये डुअल कैमरा ड्रोन है। तो फिलहाल देख सकते हैं सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं। ये सबसे पहले इतने सारे इसके मैनुअल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये मैनुअल सबसे पहले जो आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है, इसमें आपको बताया गया है कि आपको कितना चार्ज करना है, कितने टाइम तक इसे चार्ज करना है और कैसे ये काम करेगा। बाकी यहाँ पर एक मैनुअल मिलता है जिससे आपको फ्लाई से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, रिमोट कैसे काम करता है, बैटरी वगैरह कैसे इंस्टॉल करनी है। बाकी ये वाला जो मैनुअल है ये है इसके कैमरा ऐप का मैनुअल, और इसमें भी इसमें दो QR कोड दिए गए हैं जिसमें एक वाईफाई 4K और एक KY FPV। दो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में जिससे इसके दोनों कैमरा ऑपरेट होते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर पैकेट मिलते हैं आपको दो। तो सबसे पहले एक पैकेट में मैं आपको दिखाता हूँ क्या मिलता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको एक पैकेट में मिल जाते हैं 4 प्रॉपलर गार्ड्स। तो इनका यूज़ आप अपनी प्रॉपलर को डैमेज होने से बचाने के लिए कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर 2 लैंडिंग गियर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको 2 चार्जर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जिससे आप इसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। बाकी 2 एक्स्ट्रा प्रॉपलर्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पर ये जो ब्लैक है इन्हें आप जॉयस्टिक के ऊपर लगा सकते हैं, ये भी बिल्कुल एक्स्ट्रा है, आपके जब वो टूट जाएँ या हट जाएँ तब उसे लगा सकते हैं। एक आपको स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है। बाकी ये दूसरा पैकेट है, तो यार इसमें एसेसरीज कुछ ज़्यादा ही दी गई है, मैं थक गया हूँ एसेसरीज दिखा दिखा कर। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से डिट्टो कॉपी एसेसरीज है, 2 लैंडिंग गियर्स, यानी दोनों मिलके 4 लैंडिंग गियर्स हमारे पास हो गए हैं। बाकी 4 एक्स्ट्रा प्रॉपलर्स देखने के लिए मिल जाती हैं, टोटल मिलके 6 एक्स्ट्रा प्रॉपलर्स आपको इसके साथ मिलती हैं। और यहाँ पर 3 चार्जर मिल जाते हैं इसके साथ, क्योंकि दोस्तों 3 चार्जर इसलिए हैं क्योंकि इसके साथ 3 ही बैटरी आती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 4 और एक्स्ट्रा प्रॉपलर गार्ड्स मिल गए हैं, तो 8 प्रॉपलर गार्ड्स हैं और 2 स्क्रू ड्राइवर्स हैं देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये 3 बैटरी मिल जाती हैं, जो कि एक बैटरी अगर आप देखते हैं सिंगल तो 3.7 वोल्ट, 550 mAh की है। तो ये तीनों मिलके काफ़ी तगड़ा प्ले टाइम दे देती हैं। तो देख सकते हैं तीनों बैटरी को चार्ज करने के लिए 3 ही हमें चार्जर भी दिए गए हैं, एक साथ आप 3 बैटरियों को भी चार्ज कर सकते हैं। बाकी इसके साथ 2 कैमरा भी मिलते हैं आपको, एक KY FPV पे काम करता है और एक Wi-Fi FPV पे काम करता है। तो देख सकते हैं दोनों ही कैमरा वाईफाई के साथ आते हैं और दोनों ही कैमरा आप इसमें अटैच कर सकते हैं ड्रोन में। तो यार एसेसरीज के मामले में ये ड्रोन एकदम कमाल का है। बाकी ये इसका रिमोट है, आप देख सकते हैं इसमें 2 जॉयस्टिक हैं, पहली वाली जॉयस्टिक से अप डाउन, लेफ्ट रोटेट राइट रोटेट, सेकंड वाली से फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट, और ऊपर की साइड में स्पीड मोड एंड 360 फ्लिप के लिए बटन है, और बाकी इधर की साइड में कैमरा और ट्रिम बटन हैं, बीच में ऑन ऑफ का बटन है और इंडिकेटर लाइट है। पीछे की साइड में इसमें आप बैटरी डाल सकते हैं, तो फटाफट से इसमें मैं बैटरी डाल देता हूँ। तो देख सकते हैं 4 बैटरी है मेरे पास, नॉन चार्जेबल है, आप चार्जेबल भी डाल सकते हैं, मैं फिलहाल नॉन चार्जेबल का यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको इसके साथ नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो बैटरी मैंने इस पर डाल दी है, जैसे ही ऑन करते हैं यहाँ पर इंडिकेटर लाइट वर्क करने लग जाती है। तो फटाफट से इसका मोबाइल होल्डर हम इस मोड में लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ आपको भी इस तरीके से लगा देना है। अब आप इसमें अपना मोबाइल लगा सकते हैं। तो रिमोट मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखा दिया है, फिलहाल मैं आपको ड्रोन दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। ड्रोन देख सकते हैं एकदम ही ये DJI की लुक जैसा ड्रोन है, मतलब इसका लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का बनाया गया है। इसमें नीचे ऑन ऑफ का बटन और कैमरा सॉकेट है, और बाकी इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। तो आपको बैटरी चार्ज करना तो मैंने बता ही दिया, 3 चार्जर है, 3 चार्जर से आप इन बैटरी को सिंपली चार्ज कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से ड्रोन में आपको इसे कनेक्ट करना और इसी बैटरी कंपार्टमेंट पर रख देना है, और उसके बाद जैसे ही आप ड्रोन को ऑन करेंगे देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट कुछ इस तरीके से जलनी स्टार्ट हो जाती है। और यार ये ड्रोन की लाइटिंग ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की, आप इसे नाइट में भी फ्लाई करेंगे तो बहुत ही ईजिली फ्लाई हो जाएगा। बाकी इसका कैमरा है, आपको कैमरा कैसे अटैच करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कैमरा अटैच करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसके वायर को कनेक्ट करना है, और जैसे ही आपकी इसकी वायर जो है वो कनेक्ट हो जाएगी उसके बाद आपको इस कैमरा को यहीं पर कुछ इस तरह से पीछे की साइड में प्रेस करना है नीचे रख के, और ये इसमें अटैच हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी लुकिंग आ रही है, काफ़ी बढ़िया इसमें लग रहा है देखने में, ठीक है। उसके बाद आप इसमें लैंडिंग गियर्स लगा सकते हैं, लैंडिंग गियर्स लगाना बहुत ही ईजी है, आपको सिंपली कुछ इस तरीके से लगाना है, इसमें कोई पीच वगैरह नहीं कसना है, तो ऐसे ही लगा देना है जैसे कि मैंने लगाए हैं। तो देख सकते हैं लैंडिंग गियर्स मैंने इसमें अच्छी तरीके से लगा दिए हैं। अब आप देख सकते हैं ड्रोन की लुकिंग क्या ही कमाल की आ रही है। आप चाहे तो इसमें प्रॉपलर गार्ड्स भी लगा सकते हैं, फिलहाल अगर आपको पहली बार फ्लाई करते हैं तब इसमें प्रॉपलर गार्ड्स लगा लेना, फिलहाल मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा ड्रोन जो है पूरी तरह से तैयार। अब इसकी कैमरा ऐप को हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके लिए हमें एक QR कोड चाहिए और अपना QR कोड स्कैनर चाहिए। तो स्कैन करते ही यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाता है, लिंक पे प्रेस करते ही आप KY FPV या Wi-Fi FPV को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं KY FPV को अभी डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, तो अपने मोबाइल में इंस्टॉल भी कर लिया है। अभी इसे अपने मोबाइल को लगा लेते हैं हम अपने रिमोट में, और उसके बाद अपने ड्रोन को कर लेते हैं ऑन।
तो जैसे ही आप ड्रोन को ऑन कर देंगे और उसके बाद आपका ड्रोन ऑन हो जाएगा, आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में वाईफाई सेटिंग में जाना है और वाईफाई सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर वाईफाई 4K को कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो एप्लीकेशन है वाईफाई 4K उसे ओपन कर लेना है। और जैसे ही फर्स्ट वाली जो स्टिक अप एंड डाउन करेंगे आपका रिमोट भी इससे कनेक्ट हो जाएगा और आपका जो कैमरा है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें शो हो रहा है। दोस्तों इस ड्रोन की जो कैमरा फुटेज है वो काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल भी लैग नहीं है, 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है और बाकी तो आप देख ही सकते हैं सारे ऑप्शन आपको ऐप के अंदर ही मिल जाते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं ग्राउंड में। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम ग्राउंड में आ चुके हैं और यहाँ पर हमने अपने ड्रोन को जो है टेक ऑफ कर लिया है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ फ्लाई करता है, मतलब ये कोई प्रोफेशनल ड्रोन की तरह लगता है फ्लाई होता हुआ। आप देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कूल है और एकदम ही एक जगह रुक जाता है, तो इसको फ्लाई करने में एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है। दोस्तों इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, 6x जायरो मिल जाता है, हैंडलेस मोड भी मिल जाता है और बैरोमीटर हाइट सेट भी है। तो इसमें काफ़ी सारे फंक्शन है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ फ्लाई करता है। मतलब और भी ड्रोन मैंने फ्लाई किया है, लेकिन मैंने फोल्डेबल ड्रोन भी फ्लाई किया है, लेकिन फोल्डेबल ड्रोन भी इतना अच्छा फ्लाई नहीं करते हैं जितना अच्छा ये ड्रोन फ्लाई कर रहा है। यार एकदम ही मज़ा आ गया इसको फ्लाई करने में। मैंने अभी तक फोल्डेबल ड्रोन भी ऐसे फ्लाई नहीं किया है जैसे कि ये फ्लाई हो रहा है। तो आप देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं कितनी स्लोली तरीके से ये रोटेट करता है जिसकी वजह से इसकी कैमरा फुटेज भी थोड़ी ठीक ठाक आ जाती है। दोस्तों बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी के मामले में इस ड्रोन का कोई मुकाबला नहीं है किसी भी 10,000 के अंडर के ड्रोन में। तो काफ़ी तगड़ा इसकी स्टेबिलिटी है और काफ़ी तगड़ी तरीके से ये फ्लाई करता है। तो बाकी इसमें अगर आपके ग्राउंड में हवा चलती है तो स्पीड मोड भी दिए गए हैं, आप स्पीड मोड चेंज करके भी हवा में भी इसे फ्लाई कर सकते हैं। बाकी 360 फ्लिप तो ये करता ही है, तो फ्लाइंग से रिलेटेड इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये फ्लाई कर लेता है। तो चलिए बात करते हैं इसकी रिमोट कंट्रोल रेंज की। तो आपको लगभग 100 से 120 मीटर की इसकी रेंज मिल जाती है, तो काफ़ी बड़े एरिया में आप इसे इजीली फ्लाई कर सकते हैं। और इसका लुक की बात करें तो लुक यार बिल्कुल डिट्टो DJI का ही लुक बनाया गया है इसका। आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल DJI के जैसा ही बनाया गया है। तो दोस्तों इसका लुक तो है ही बहुत अच्छा और दोस्तों इसकी रेंज भी काफ़ी बढ़िया है। तो इसकी रेंज में भी मुझे कोई डिसकनेक्टिविटी नज़र नहीं आई, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से ये कितनी भी दूर फ्लाई करो बहुत अच्छे से फ्लाई होता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो बैटरी है वो आपको 3.7 वोल्ट 550 mAh की बैटरी देखने के लिए इसके साथ मिलती है और सिंगल बैटरी पे ये लगभग 12 से 15 मिनट फ्लाई कर लेता है और आप तीनों बैटरी का मिला के लगभग 40 से 45 मिनट का प्ले टाइम आपको इसके साथ मिल जाता है। तो यार इसका प्ले टाइम जो है वो एकदम ही खतरनाक है, मज़ा आ जाता है, मतलब लगभग 40 मिनट मिनिमम मिल ही जाता है प्ले टाइम इसका, वो भी कैमरा के साथ। तो काफ़ी तगड़ा ये ड्रोन है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि इसके साथ तीन बैटरियां हैं और तीनों बैटरी के साथ तीन चार्जर भी हैं, तो इजीली बहुत जल्दी चार्ज हो जाती हैं। लगभग तीनों बैटरी को चार्ज करने में अगर आप एक साथ लगाते हैं तो 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है, तीनों बैटरियाँ 20 से 25 मिनट में चार्ज हो जाती हैं। बाकी दोस्तों बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। और लुक वाइज बिल्ड क्वालिटी मतलब सब कुछ इसका एकदम औसम है और फ्लाइंग से रिलेटेड इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसकी बैटरी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, इसकी रेंज से रिलेटेड इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्लाइंग तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा मज़ेदार इसकी फ्लाइंग है। बाकी दोस्तों इसकी कैमरा फुटेज जो है वो आगे मैं आपको दिखा दूंगा, आप देख लेना दोनों कैमरा की फुटेज मैं आपको दिखा दूंगा। और अगर आपको कैमरा फुटेज और पूरी वीडियो देखने के बाद ये ड्रोन अच्छा लगता है, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक को फॉलो करके इसे बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप व्यू प्रोडक्ट पे भी क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी इसे बाय कर सकते हैं, सीधा वेबसाइट पे जाके आपको कॉर्नर पे एक बटन दिखाई दे रहा होगा व्यू प्रोडक्ट का, उस पर क्लिक करके प्रोडक्ट पे क्लिक करके सीधा वेबसाइट पे जाके इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप पूरी वीडियो को देख लीजिए। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way.
day. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look.